कौन तेरी लाज रखे ऐ वतन कोई नहीं, कौन तेरी लाज रखे ऐ वतन कोई नहीं, अंजुमन तो बहुत है मगर चिराग अंजुमन कोई नहीं। अभी तो मोदी जी ने बोला 8 महीने पहले कि इलेक्शन ख़त्म कर लो क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, मैं मुसलमानों के साथ हूँ। अभी उसने एक बार प्रूफ किया कि वो एंटी मुस्लिम है क्योंकि अभी ईद आने वाला था, यही गिफ्ट दे दिया मुसलमानों को, कश्मीरियों को। हमें घर जाना था, फ्लाइटें बनी हुई है, डर रहे हैं कि जाए कि नहीं जाए, समझ नहीं आ रहा है कि बहुत परेशान है, न कुछ भी नहीं पता है। हमारे बच्चे वहाँ पर विदाउट मेडिसिन, विदाउट फूड, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। I can't see because I don't have a contact with my family. For 6 days, I don't know whether they're alive or what. Because the situation right now is too tough. Maybe they can go, they can rape a woman, nobody can say it. It's not a good, what they have done, it's no good. We are not happy with this decision. Because right now over here, this is not just the issue for a Kashmiri, this is not just the issue for the state of J&K. This is the whole unconstitutional nature in which the order has been passed, and it's really shameful because what has happened to J&K today can happen to any other state tomorrow. Kal jo hai ek pura media mein bada bhashan diya gaya hai hamare prime minister dwara, unhone bahut achhi achhi baatein kari hai, unne kahwa ke bare mein kaha hai, unne herbal remedies ke bare mein kaha hai, lekin is puri baat ka jo irony hai wo ye hai, is puri baat ki vidambana ye hai कि जिन लोगों के लिए वो बात कर रहे थे उन लोगों तक बात पहुंची ही नहीं। यू नो इट्स बीन 5 days since we had talked to our families. यू नो देर आर स्लीपलेस नाइट्स टू अस, वी आर रियली वरीड अबाउट पेरेंट्स, दे हैड केज्ड होल कश्मीर एंड कम्युनिकेशन हैज़ बीन बैंड, इंटरनेट हैज़ बीन स्नैप्ड, एंड एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इज सेइंग द पीपल ऑफ कश्मीर आर हैप्पी। इफ पीपल आर कश्मीर आर हैप्पी देन वाई आर दे अंडर कर्फ्यू? Let you lift the curfew, let them celebrate the victory of Article 370. What are you afraid of? Why are you lying to the nation? You are telling the people of the India that people of the Kashmir are happy with this decision. If they are happy, then why are there curfews? Why are not we able to talk to our families? Why are they caged? You know, there are medical emergencies are there. People are not allowed to move from their homes. So it's really unfortunate, highly unfortunate. अगर इन्होंने ये हमारे भले के लिए किया तो फिर हमारी आवाम को अंदर बंद करके क्यों किया? हमारी आवाम को बाहर निकाल के बताना चाहिए कि ये हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर उन्हें अंदर बंद करके रखा है तो फिर ये हमारे अच्छे के लिए कैसे है? मेरी पिछले 5 से 8 दिन तक मेरे घर पे बात नहीं हुई है। पीपल आर सफरिंग और दे सेड इट्स अ डेमोक्रेसी, बेसिकली इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स अ डिक्टेटरशिप। अगर ये डेमोक्रेसी होती तो हमें भी वो राइट्स मिलते। ये अगर ये अमेंडमेंट ख़त्म कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, एटलीस्ट हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए थी। हमारे CM अरेस्ट हैं, हमारे लोग बंदे, कर्फ्यू है, हमारे घर वालों को खाना नहीं है, हमारी बात नहीं हो रही है हमारे घर पे, एंड दे सेड दैट इट अ डेमोक्रेसी और ये डेवलपमेंट लाएंगे। यू कैन सी दिस, ये आपको बताएगा कि क्या लिटरेसी हमारी स्टेट में गुजरात से ज़्यादा GDP है। yes. हमारी स्टेट में कोई भूखा नहीं सोता, हमारी स्टेट में हर किसी के सर पे एटलीस्ट छत है। एजुकेशन देख लीजिए आप, इकॉनमी देख लीजिए आप, कुछ भी देख लीजिए, हमारी स्टेट अभी मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन बहुत बुरी पोजीशन पर भी नहीं है। द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड टेल दैट आई हैव नेवर फाउंड माई सेल्फ दिस हेल्पलेस एवर इन माई लाइफ। लाइक I'd stretch 5 days without talking to my parents, without knowing that if they're fine or not. Even there are some natural things also, like something natural, death and all can happen also in my family, and I'll have no idea about that. It's a very big thing, and clearly it is the murder of democracy. And this is not only the issue of Kashmiris, it's the issue for the entire nation. Like everybody should know that how dictating the democracy can go. I think people should come up and you know, talk for the Kashmiris, because it's not only for the Kashmir, it's about the word democracy itself. You know, the poison of the pseudo nationalism has been encrypted in such a way among the people that they're failing to understand. When I talk to my you know my peer group, they say that it's a law and order situation there. Okay, just go there, stay in a curfew for 10 days and then talk to me and say if this is a law and order situation.
So please try to understand. If you cannot feel it, at least try to understand. And please create an opinion, an unbiased opinion. It's not only about your, you know, your country. If you have to really love your country, first create an unbiased opinion. Just understand what's right and what's wrong. And then please move ahead. That's all I want to say. Thank you. Going to die, every Kashmiri is waiting for his death. It's either it's today or tomorrow we are going to die. They are going to mutilate us. I want to raise my voice for the people of Jammu and Kashmir. And by Jammu and Kashmir, I mean Ladakh, Jammu and Kashmir. It's not just Kashmir. क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ समझ आता है कि शायद हम जब जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो वो एक्सक्लूड लद्दाख नहीं करते हैं एक्सक्लूड. आप दिल्ली में इस वक्त बैठे हुए हैं. आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देता है कि आप यहाँ जमा हो, आप यहाँ अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे प्रैक्टिस करें. और हमारे लोगों को आप आर्टिकल 19 से डिप्राइव कर रहे हो. लद्दाख वाले भी नहीं खुश है. कारगिल में प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहे हैं. दिखा कौन रहा है? मीडिया कहाँ है? मीडिया हैज बीन बैंड. माई होमलैंड हैज बीन लॉक डाउन. अगर इसको डेमोक्रेसी कहते हैं तो आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस डेमोक्रेसी. आई वांट टॉक टू द इंटेलेक्चुअल्स हु क्लेम टू बी इंटेलेक्चुअल्स. एक्चुअली जो बोलते हैं हम बहुत लिबरल है, इंटेलेक्चुअल है. ह्यूमैनिटी की बात आती है तो आप कश्मीर की जब बात आती है, जब उसके साथ रिलेट होता है, तो आपको क्यों भूल जाता है कि ये ह्यूमैनिटी वहाँ भी प्रिवेल करती है? आपको क्यों याद नहीं रहता है कि वो भी इंसान है वहाँ पे? आपको क्यों याद नहीं रहता कि उनके बच्चे हैं जो इस वक्त दर बदर यहाँ हैं क्योंकि उनने 5 दिनों से अपने घर वालों से बात नहीं की है? आपको क्यों ये याद नहीं रहता है? आपको क्यों उनके एसेंशियल्स के बारे में फिक्र नहीं रहती है? आपको जमीन चाहिए थी ना, ले ली ना. और मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, और यहाँ जंतर मंतर मैं कह रहा हूँ, पीछे इंडिया का फ्लैग है, इसके सामने कह रहा हूँ, हिस्ट्री विल नॉट स्पेयर यू इफ यू डोंट स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी एंड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ.